हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द्रितिका कोहली रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है ये, चलिए बनाएं। इसके लिए मैंने कचालू ले लिए हैं, इंग्लिश में इसे टारो कहते हैं। ये मैंने लिए हैं कचालू 1 केजी। इसको पहले हम बॉयल करेंगे। बॉयल हम इसे मीडियम फ्लेम पे करेंगे। इसे एक प्रेशर कुकर में मैंने डाल लिया है और इसमें पानी डालना है मैं उतना जिसमें ये डिप हो जाए, और इसको मैं 2 विसल आने तक बॉयल कर लूँगी। अगर कचालू के साइज़ छोटा है तो 1 विसल में भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तब तक हम अजवाइन को रोस्ट कर लेते हैं, यानी उसे भून लेते हैं। एक पैन में मैंने ये अजवाइन डाल दी है। फ्लेम हाई पे ही करना है क्योंकि हमें इसका कलर भी चेंज करना है। इसे हमें अच्छे तरीके से पका लेना है, रोस्ट कर लेना है, यानी भून लेना है इसे हमें ये कलर चेंज होने तक। भाई इसकी खुशबू आती है ना तो पता चल जाता है कि कचालू बनने लगे। कचालुओं को मैंने ठंडा कर लिया, उसको मैंने छील लिया है। 4 से 5 घंटे के लिए इसे फ्रिज में छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आलू टिक्की में समझाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। इसको मैंने रफली काट लिया है, कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रफली काट लेंगे हम। भाई बाजार में जब हम कचालू खाते हैं तो उन्होंने कोई शेप दे के थोड़ा ना काटे होते हैं, ऐसे ही रफली काट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही बताऊंगी मैं। इतने टेस्टी बनते हैं ना ये। इसमें हम डालेंगे इमली का पानी। इसमें क्वांटिटी का ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सही बाजार जैसे कचालू खाने हैं ना तो दिल खोल के इमली डालो, खूब सारे खट्टे तीखे मज़ेदार, ठीक है। ये मैंने इमली का पानी 1 कटोरी डाल लिया है क्योंकि मेरे पास इमली की पेस्ट थी, उसको मैंने पानी में घोला और डाल दिया इसमें। इसके बाद मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। भाई तीखा खाएंगे तभी तो मज़ा आएगा, कचालू अगर तीखे और खट्टे ना खाए तो क्या खाए। इसमें डाला मैंने काला नमक यानी रॉक साल्ट 2 टीस्पून। इसमें डालेंगे सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट वाइट जो होता है हमारा वो डालेंगे हम इसमें। ये मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर कोई तीखा कम खाना चाहता है तो तीखा लाल मिर्च जो है वो कम भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई यानी दरदरी पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो मैंने डाल दी है 1/4 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे अजवाइन, जो हमने अजवाइन रोस्ट की थी यानी भून ली थी वो हमने इसमें डाल दी है। इन कचालुओं को आप नवरात्रों के जो व्रत होते हैं उसमें भी ले सकते हैं। मेरे घर में तो ये ज़रूर बनते हैं नवरात्रों के दिन में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 1 हरी मिर्च ली है, उसे मैंने कूट लिया था। इसको बारीक काट के भी आप डाल सकते हैं, बट मैंने इसको कूट लिया था। तीखा तीखा बनाएंगे तभी तो मज़ा आएगा खाने का। इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इससे। ज़ीरा पाउडर मैं बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, ये मैंने थोड़ा सा इसमें आमचूर डाला है, ये 1/4 टीस्पून है। जो भी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ आपको वो मैं 1 किलो कचालू के हिसाब से बता रही हूँ। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इमली का पानी, अजवाइन, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च, इसका फ्लेवर अच्छे से कचालू के हर पीस के अंदर होना चाहिए। वाह वाह वाह, मेरे मुंह में तो खुद ही पानी आना शुरू हो गया। अरे वाह, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया।
और मुझे इसमें मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डाल रही हूँ, 1/4 teaspoon के करीब, क्योंकि कचालू मुझे खूब खट्टे और अच्छे से तीखे पसंद है। इसमें हम डाल लेंगे एक बड़े साइज़ के नींबू का रस यानी लेमन जूस। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप तीखा कम भी कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने नींबू का रस और लाल मिर्च पाउडर और डाली है वो भी अच्छी तरीके से कचालुओं को लग जाए। अगर कचालुओं को आप फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए तो इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको आलू की टिक्की बनाते हुए समझाया था, उससे वो जुड़े जुड़े से नहीं लगेंगे, मॉइस्चर बहुत सारा नहीं होगा, अच्छा टेस्ट आएगा इससे। ये जी हमारे कचालू बन गए हैं, अब इसे हम देसी स्टाइल प्लेट करेंगे। ये मैंने पेपर का बाउल ले लिया है छोटा सा, जैसे हमें बाज़ार में मिलता है ना, आज मेरा मन था कुछ देसी स्टाइल खाने का, बहुत दिनों से बाहर जाके कचालू नहीं खाए तो सोचा घर पे बना लेते हैं। ये डाल दिए कचालू, मुंह में पानी आ गया, लग रहे हैं ना अच्छे, लग रहे हैं ना टेस्टी बाजार जैसे। ये आ गया स्पून, ये आ गई हमारी टूथपिक, मैं तो करने लगी टेस्ट, आप भी बनाओ और खाओ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।